नमस्कार दोस्तों, मैं भारत बघेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का दूसरा वीडियो। तो आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारा दूसरा वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। रेशम कीट स्पिन कोकून के बाद क्या होता है चौथा माल? सिल्क किसका उत्पाद है या लार्ग होती हैं, किस पर पाई जाती है? किस पर? दो सिर पर। रेशम कीट के फिलामेंट में मौजूद मुख्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रोसिन सीरेसिन। पेब्राइन है। बीमोरी की बीमारी क्या है? प्रोटोजोआ। मम्मी का प्यूपा किसके कारण होता है? मस्केडिन के कारण। हमें किसके प्रयोग से बचना चाहिए रेशम कीट की खेती में? इसके बेसिलस थुरिंजिएंसिस। अगला है, मूंगा रेशम कीट किसके विशिष्ट हैं, किसके? असम के। कौन सा सही है? टसर रेशम कीट, एंथ्रेसिया माइलिस्टा। रेशम कीट की कीड़ों की प्रमुख कीट क्या है? उजी फ्लाई। यानी कि रेशम कीट का प्रमुख कीट कौन सा है? उजी फ्लाई। रेशम के कीड़ों का रेशम में क्या है? निरंतर फिलामेंट। और रेशम कीट उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। ओके, और कीट विज्ञान आप जानते ही हैं, एंटोमोलॉजी मैंने बता दिया है। रेशम कीड़ों का प्रमुख कीट हुई है क्या होता है? निरंतर फिलामेंट। कोकून के बाद गतिविधि का सही क्रम क्या होता है? ट्विस्टिंग, डिगूबिंग, मरना, बुनाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है आज। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का विजन भारत को रेशम विश्व बाजार में अग्रणी रूप में उभारता हुआ देखें। सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिशन क्या है? अनुसंधान और विकास प्रयोग हस्तांतरण, लाभकारी रोजगार, ये सारा कुछ है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ स्थित है? बंगलोर में। कोकून के बाद गतिविधि कौन सी कौन सी? दम घोटना, ड्रीलिंग और ब्रश करना। रेशम कीट घरेलू प्रजाति कौन सी है? बॉम्बैक्स। यूनोवॉल्यूम सब कहाँ से लिया गया? ब्रूड आवृत्ति। सैतूत रेशम कीट के प्रयाग तीन प्रकार। भारत में वाणिज्यिक महत्व रेशम कीट के प्रमुख प्रकार पाँच। हैरी रेशम कीट एक है क्या है? मल्टीविटामिन। 66 है, लाख किस प्रकार से संबंधित है? परिवार से कैरिडी। लाख कीट किस महाद्वीप का मूल निवासी? किसका? एशिया का। लाख कीट किस द्वारा स्रावित होता है? महिलाओं द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लाख प्रमुख रूप है क्या है? स्टिक लैक। चलिए दोस्तों, हम कम टाइम में 100 क्वेश्चन कराने की क्षमता रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपका हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। विश्व में लाख का प्रमुख उत्पादन इंडिया। प्राकृतिक गोंद कौन सा है? अरबी गोंद, गोंद घाटी, गत्रे। कौन सा भारतीय राज्य लाख का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड। लाख कीट का मेजबान कौन नहीं है? कौन? महंगी पेरा सिल्वीवेटिका। कच्चा कीट किस उत्पाद का स्रोत है? ब्रॉल राई, डाइमोम। अगला देखें, बैसाखी ग्रीष्म ऋतु किस श्रेणी की फसल है? रंगीनी। कौन लाख प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? ये रहेगा 24 परगना, पश्चिम बंगाल नहीं है, कर्नाटक क्षेत्र है लाख का उत्पादन, झारखंड है लाख उत्पादन में। ओके, लाख कीट परिपक्व होने कितनी बार गलन करता है? तीन बार। 78 लाख कीट दूसरे निष्पाण कब दूर करता है? जबकि यह सेल के अंदर है। अगला है, ग्रेविड मादाओं से युक्त लाख का घेरा किस नाम से जाना जाता है? ब्रूड लेग। लाख पुरुषों का जीवन चक्र कितने समय लंबा कौन सा है? बैसाखी नर। किस लाख पुरुष का जीवन चक्र दिनों में सबसे छोटा होता है? कटकी नर। लाख की किस श्रेणी की महिला का जीवन चक्र दिनों में सबसे लंबा होता है? बैसाखी नर। लाख की हाइड्रोवोल्टन स्ट्रेन किसके माध्यम से की जाती है? लघु जीवन काल। बैसाखी की फसल अक्टूबर से नवंबर। अगला है, कटकी फसल क्या? जून से जुलाई। अदानी फसल जून से जुलाई। जेठ की फसल जनवरी से फरवरी।
ट्रिवोल्टाइन एपीपी काटना क्या कहलाता है? एक्ट वर्ष नंबर मार्च से अप्रैल जुलाई अगस्त। बैसाखी मौसम की फसल जून से जुलाई। कटकी मौसम की फसल अक्टूबर से नवंबर। अगानी मौसम जनवरी से फरवरी। जेठानी मौसम जून से जुलाई। तिरुवनंतपुरम ऋतु की फसल अक्टूबर से नवंबर। जीवन चक्र की आवृत्ति पर प्रतिवर्ष पीढ़ी संख्या निर्भर करती है किस पर? लाख कीट प्रजाति, उत्पेद, विकास, मौसम, क्षेत्र, जलवायु। यूनिवेल्टाइन का उदाहरण कौन सा है? पैराटाचार्डिना एपीपी। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा है। आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। आज हम कम से कम 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।